जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। ओम गणेशाय नमः। आप सभी पर गणेश जी की कृपा, रिद्धि सिद्धि माता की कृपा सदा बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गणेश जी की कथा। कथा इस प्रकार है। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी के गांव के पास के शहर में एक बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदा भरा रहता था। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन नियमानुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा, यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता ही क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। बस सेठानी दिमाग लगाकर अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने गए तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा दिया। जब सेठ जी नदी से नहा कर आए तो घर में देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो है नहीं। वह सेठानी से पूछते हैं, मेरी गणेश जी की मूर्ति मंदिर में क्यों नहीं है, कहाँ गया? तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, सेठ जी गणेश जी को बहुत ढूंढे पर उनकी मूर्ति घर में नहीं मिली। उस दिन सेठ जी गणेश जी का पूजा नहीं कर पाए और ना ही उनको भोग लगा पाए। इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और कहीं चले गए हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि जब तक मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं देते, मैं तब तक अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने को लड्डू दे रहे थे। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदने लगते हैं, जहां पर उन्होंने चूहे को सपने में लड्डू दबाते हुए देखा था, ठीक वहीं पर खोदते हैं। गणेश जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वहीं पर गणेश जी की मूर्ति कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी के अंदर छुपा हुआ था। सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम करके उन्हें लेकर घर आया और अच्छे से साफ सफाई करके उनकी पूजा की, उन्हें भोग लगाया। देखकर सेठानी ने पूछा, आपको गणेश जी कहाँ मिले? सेठ जी सेठानी जी से सपने की सारी कहानी बताते हैं। अब बात जानकर सेठानी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठानी को मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। जय बोलिए गणेश भगवान की जय, सदा ही जय। प्रभु अपनी अनुकंपा सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना, आदि सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए।
इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सुझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ पर परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसा है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप यानी देहिकता, देविकता तथा भौतिकता दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय जी की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है कि भगवान गणेश एक बार छोटे बालक का रूप धरकर पृथ्वी पर गए और वहां उन्होंने सोचा कि मैं लोगों का परीक्षा लूंगा, इस धरती पर कुछ धर्म कर्म है भी या नहीं। भगवान गणेश अपने दोनों हाथों में एक एक छोटी चम्मच पकड़कर एक चम्मच में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर गांव के सभी घरों में बारी बारी जाकर एक ही बात कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग उसकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते थे। सब गांव वाले उनसे कहते कि ए बुद्धू बालक, क्या कभी एक चम्मच चावल और एक चम्मच दूध से खीर बना है जो तुम घर घर घूमकर चिल्ला रहे हो कि मेरे लिए कोई खीर बना दो, कि मेरे लिए कोई खीर बना दो। ऐसा कह कह कर गांव वाले भेष रूपी गणेश जी का मजाक उड़ा रहे थे। भगवान गणेश गांव वालों की बातें सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही वह पूरे गांव में चलते चलते बालक आखिर में एक बुढ़िया माई के पास पूछते हैं। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं और बुढ़िया माई बैठी बैठी बच्चों के खेल को देख रही होती है। गणेश जी महाराज ने वहां जाकर कहा, बुढ़िया माई, ये चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दोगी क्या? छोटे से बालक की बातें सुनकर बुढ़िया माई ने हंसकर मजाक करते हुए कहा, बेटा, खीर तुम्हें बना दूंगी, लेकिन मुझे भी खीर देना होगा। भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जरूर अम्मा, आपको मैं जरूर दूंगा, सब बच्चों को भी दूंगा, तुम चिंता मत करो बुढ़ी अम्मा, बस अपने घर में जाओ और जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे बाहर लेकर आओ। बूढ़ी माई ने बच्चे के कहे अनुसार घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आए। डर के बने गणेश जी ने कहा, माँ, इतनी छोटी सी भिगोनी से क्या होगा, कोई इससे भी बड़ा बर्तन लाओ, उसमें खीर बनाना। बुढ़िया माई फिर से एक बहुत बड़ा बर्तन लेकर आई, उसमें दूध और चावल डलवा दिए और चूल्हे पर खीर बनाने के लिए रख दिया गया। जब खीर में उबाल आने लगा तो बुढ़िया माई ने थोड़ी सी खीर प्याले में निकाल ली, थोड़ी सी ठंडी करके गणेश जी का नाम लेकर भोग लगाकर चखने लगी। खीर तो अति स्वादिष्ट बनी थी। बुढ़िया माई ने बालक से कहा, ले बेटा, खीर बन गई है, अब तुम खा लो। उसके बेटे ने कहा, माँ, खीर से तो मेरा पेट भर गया, अब आप खाओ और इन सब बच्चों को खिला दो। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तूने खीर तो नहीं खाई, फिर पेट कैसे भर गया? बालक ने कहा,
आपने मेरा प्रेम से नाम लेकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर खीर खाई थी, उससे मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माई समझ गई कि यह बालक तो भगवान गणेश का ही रूप है। वह खीर सभी बच्चों को खिला दी, जो वहाँ खेल रहे थे उन्हें भी खिलाई, तो भी बर्तन भरा हुआ था। अब गांव के सभी लोगों को बुला बुला कर बुढ़िया माई ने खीर खिलाई तो सभी सोच में पड़ गए कि इस गरीब बुढ़िया के पास इतनी सारी खीर कहाँ से आई। अंत में बुढ़िया माई को गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि और जो खीर बच गई है उससे तुम घर में पीछे खारा खोद कर गा रहा हो। फिर कुछ दिन बाद वो खीर सोना बन गई। बुढ़िया माई अब तो आनंद और ठाट बाट से रहने लगी। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई। प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सिख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है, तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरी कोई मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का तो उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1/4 मन मूंग, 1/4 मन चावल, 1/4 मन घी और 1/4 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बार तक कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वार पर बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। उन्हें क्या था, इतने में ही गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल गई। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएगी, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी, पर सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मनी मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी
और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सब कुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सरियो ऐसा कारज सबका सिद्ध करजो। बोलो गजानन भगवान की जय।